स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। ज्योग्राफी चल रहा है 10th क्लास का, ठीक। चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 3 है आज। चैप्टर नेम जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज पढ़ने हैं हमने, नेचर रिसोर्स हैं, मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। उनको फिर उनकी डेवलपमेंट कैसे, उनको यूज़ करने की वजह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। पहले हमने रिसोर्स के बारे में टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ी, आज लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब हम ज़मीन को इस्तेमाल किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों में होता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। इसमें सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, ये वाला, ठीक। फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज़ होती है, जहाँ से जंगल जंगलात होते हैं, ट्रीज, ठीक, जो हमारे उसका एग्जांपल ये जंगल। दूसरा है, दूसरा पार्ट इसमें है, लैंड नॉट अवेलेबल किसके लिए, फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसमें ए आता है बैरन, यानी बेकार, और वेस्ट लैंड जो छोड़ी हुई है लैंड, बैरन हो गया जिसमें कोई उगती चीज़ उगती नहीं है। दूसरा आ गया इसमें बी पार्ट, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस किसके लिए, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा, ये एग्जांपल्स हैं नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, ठीक। इसी के साथ जो थर्ड वन है, थर्ड पार्ट इसमें है, जो लैंड यूटिलाइजेशन आज पढ़े हैं हम, इसमें थर्ड वाला अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसमें क्या आता है एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, मतलब फेलो लैंड को उसको एक्सक्लूड करना है इसमें जो अनकल्टिवेटेड है, क्योंकि वो फेलो लैंड अलग से आता है, ठीक। उसमें एक आता है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स जो बनते हैं, मतलब पूरे पूरे एरिया में जंगल के साथ साथ जो ऊपर खाली एरियाज होते हैं जहाँ पे पास्चर्स बनते हैं, और जो हमारे नोमैड्स एक दूसरे प्लेस चेंज करते हैं माइग्रेशन फॉर देयर लाइफ स्टाइल, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को साथ लेके वहाँ जाते हैं और ग्रेजिंग भी वहीं से करते हैं। उस दूसरा पार्ट आता है इसमें कल्चरल वेस्ट लैंड, मतलब एग्रीकल्चर पर उसको यूज़ करते हैं लेकिन उसको वेस्ट ही रखा है। लेफ्ट फॉर, ये एग्जांपल, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, 5 एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के 5 साल जो उसके, उन 5 सालों के लिए वो 5 सालों से छोड़ ही रखी है, उसको भी कहते हैं जो अनकल्टिवेटेड है, वेस्ट लैंड है, ठीक है। पहला फॉरेस्ट, दूसरा नॉन अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरेशन, बैरन इसमें आता है, और वेस्ट लैंड, लैंड जो पुट नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए आते हैं, एग्जाम्पल इसमें बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे, फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा, और अदर आ गया अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड अलग से आती है, जैसे वन को फेलो लैंड में हम एग्जाम्पल लेंगे कि कुछ करंट फेलो लैंड होती है जो एक या एक साल से कम छोड़ी होती है, और अदर करंट फेलो लैंड होगी जो अनकल्टिवेटेड है 1 to 5 एग्रीकल्चर रिजर्व्स, और कुछ नेट सोन एरिया होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक से अब एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया। थैंक यू, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।